सेफ्टी सर्कुलर नंबर 8 है, एक्सचेंज ऑफ हैंड सिग्नल विथ रेफरेंस टू अबव सब्जेक्ट सेफ्टी सर्कुलर नंबर 8 इज लॉन्च्ड। द फॉलोइंग सेफ्टी सर्कुलर ऑन एक्सचेंज ऑफ हैंड सिग्नल एग्जीबिशन ऑफ हैंड सिग्नल GR 3.52 के अकॉर्डिंग हम देखें, ऑल हैंड सिग्नल शैल बी एग्जिबिटेड बाई डे शोइंग ए फ्लैग और हैंड और बाई नाइट शोइंग ए लाइट एज प्रिस्क्राइब इन दीज रूल। यानी कि हैंड सिग्नल है दिन में फ्लैग के द्वारा, झंडी के द्वारा, और रात में लाइट के द्वारा दिखाना चाहिए। ड्यूरिंग ए डे फ्लैग और फ्लैग शैल नॉर्मली बी यूज एज हैंड सिग्नल। तो यहाँ पर डे के समय फ्लैग हैं वो यहाँ पर हैंड सिग्नल के रूप में यूज किए जाएंगे। हैंड शैल बी यूज इन इमरजेंसी ओनली व्हेन फ्लैग आर नॉट अवेलेबल। अगर फ्लैग नहीं है, झंडी नहीं है, तो हैंड का भी यहाँ पर इस्तेमाल इमरजेंसी केस में किया जा सकता है। ड्यूरिंग नाइट ए हैंड सिग्नल शैल नॉर्मली बी गिवन फॉर शोइंग ए रेड और ग्रीन लाइट। तो यहाँ पर नाइट के समय हैंड सिग्नल के रूप में या तो लाल या फिर ग्रीन लाइट रहेगी। ए वाइट लाइट वेव्ड वॉलेंटली शैल बी यूज्ड एज स्टॉप सिग्नल ओनली व्हेन द रेड सिग्नल रेड लाइट इज नॉट अवेलेबल। अगर रेड लाइट नहीं है तो वेव होने वाले यानी कि बंद चालू होने वाली वाइट लाइट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। रेड और ग्रीन लाइट रेफर टू द सब रूल शैल बी आइदर और स्टेटिक और फ्लैशिंग टाइप। रेड और ग्रीन लाइट है जो कि रूल नंबर 3 में यहाँ पर दी गई है, रेड और ग्रीन लाइट ये या तो स्टेटिक होनी चाहिए, स्टेटिक या फिर फ्लैशिंग टाइप में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें प्रेक्यूशंस अगेंस्ट डेरेलमेंट ड्यूरिंग द सेंटिंग एट स्टेशन। यानी कि यहाँ पर हम क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए सेंटिंग के समय स्टेशन पर डेरेलमेंट ना हो, उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या प्रेक्यूशंस लेनी चाहिए, ये है SR 3.52 के अकॉर्डिंग। SR 3.52 के अकॉर्डिंग द लेबर मैन केबिन मैन केबिन मास्टर शैल डिस्प्ले ए डेंजर सिग्नल बिफोर चेंजिंग पॉइंट। पॉइंट चेंज करने से पहले यहाँ पर डेंजर सिग्नल दिखाया जाएगा। द पर्सन इन चार्ज ऑफ सेंटिंग शैल वेव ए हैंड बाय डे और वाइट लाइट बाय नाइट अक्रॉस द बॉडी एज ए सिग्नल टू द लेबर मैन केबिन मास्टर टू सेट ए पॉइंट। द सिग्नल शैल बी एग्जिबिटेड फ्रॉम द पॉइंट कंसर्न। तो यहाँ पर एक वेव करता हुआ वाइट लाइट है, यहाँ पर नाइट के समय दिखाई जाएगी अगर पॉइंट सेट कर देता है केबिन मास्टर या केबिन मैन या पॉइंट्समैन। पॉइंट सेट कर देता है तो वाइट लाइट है, सेंटिंग के रूप में दिखाई जाएगी। द पर्सन इन चार्ज ऑफ सेंटिंग शैल वेव ए रेड फ्लैग बाई डे और रेड लाइट बाई नाइट अक्रॉस द बॉडी एज ए सिग्नल टू लेबर मैन केबिन मैन और केबिन मास्टर दैट द सेंटिंग मूव ओवर ए पॉइंट हैज बीन कंप्लीटेड एंड दैट द पॉइंट कैन बी रीसेट एज रिक्वायर्ड। द सिग्नल शैल बी डिस्प्लेड फ्रॉम द पॉइंट कंसर्न। तो यहाँ पर पॉइंट से ये दिखाया जाएगा अगर वाइट लाइट नहीं है तो रेड फ्लैग है या फिर रेड लाइट है, अक्रॉस द बॉडी ये दिखाया जाएगा पॉइंट्समैन के द्वारा, अक्रॉस द बॉडी दिखाया जाएगा। तो ये इसका मतलब ये होगा कि सेंटिंग है उस पॉइंट से की जा सकती है ताकि उस पॉइंट को बाद में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीसेट किया सके। नो सेंटिंग मूव मस्ट टेक प्लेस वाइल द पॉइंट्स आर बीइंग चेंज्ड। जब पॉइंट चेंज कर देते हैं तो उसके बाद में कोई सेंटिंग नहीं करनी है। नो सेंटिंग मूव टेक्स प्लेस वाइल पॉइंट आर बीइंग चेंज्ड, यानी पॉइंट जब चेंज कर रहे हैं तो हमें सेंटिंग नहीं करनी है। दिस मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर सिग्नलिंग ए सेंटिंग मूव। ये फिक्स हमें इंश्योर कर लेना चाहिए सेंटिंग करने से पहले कि पॉइंट हैं सही तरीके से सेट किए गए हैं और जैसा सेंटिंग ऑर्डर में बताया गया वैसा ही सेट किए गए हैं। वाइल ए सेंटिंग मूव इन अंडर प्रोग्रेस, जब सेंटिंग मूव चल रहा है अंडर प्रोग्रेस है, नो पॉइंट मस्ट बी चेंज्ड बाय द लीवर मैन केबिन मास्टर इवन इफ सिग्नल टू डू सो। यानी जब सेंटिंग चल रहा है और सिग्नल में ये बताया गया है कि पॉइंट को इंटरचेंज कर दीजिए, फिर भी हमें या पॉइंट को चेंज नहीं करना है सेंटिंग के समय, पॉइंट को चेंज नहीं करना है कब, जब सिग्नल को ऐसा बता रहा है सिग्नल ऑफ कर दिया गया तो अभी फिर सिग्नल पॉइंट को चेंज नहीं करना है। बिफोर डिस्प्लेइंग ए डेंजर हैंड सिग्नल इंश्योरिंग दैट सेंटिंग मूव हैज कम टू स्टॉप।
स्टॉप सिग्नल दिखाने से पहले या डेंजर सिग्नल दिखाने से पहले ये कम इंश्योर कर लेना चाहिए कि शंटिंग मूव है वो स्टॉप हो गया है, शंटिंग रुक गया है। नो पॉइंट मस्ट बी मूव्ड और रिवर्स्ड वाइल लीडिंग व्हील ऑफ द इंजन और अदर व्हील आर टू नियर द पॉइंट कैन नॉट बी फुल्ली थ्रोन ओवर बिफोर द इंजन और अदर व्हील कम ऑन टू द पॉइंट मस्ट नॉट बी ऑपरेटेड अंटिल द इंजन और ऑल व्हील आर पास्ड एंड क्लियर देन कम्प्लीटली। पॉइंट को कभी भी हमें रीसेट नहीं करना, कोई भी पॉइंट को रिवर्स तब तक नहीं करना है जब तक कि इंजन और जो इंजन के साथ में जो सारे व्हील हैं वो कम्प्लीटली क्रॉस ना कर जाए, कम्प्लीटली क्रॉस ना कर जाए तब तक हमें जो पॉइंट्स हैं उनको इंटरचेंज नहीं करना है, पॉइंट को चेंज नहीं करना है।